अतीक अहमद, ये नाम आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और जगह जगह डिस्कस हो रहा है, तो देखते हैं ऐसा क्यों है। रिसेंटली 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की, जो कि गैंगस्टर्स हैं, पूरी पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब ऐसा हुआ क्यों और अतीक अहमद आखिर है कौन? अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का एक काफ़ी बड़ा गैंगस्टर है जिसका जन्म प्रयागराज में हुआ, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे। तो 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद ये छोटी मोटी लूट, मारामारी वगैरह के काम करने लगा और 1979 में 17 साल की उम्र में आतिक ने अपना पहला मर्डर किया। पुलिस ने आतिक को अरेस्ट किया और उस टाइम चांद बाबा नाम का एक बड़ा गैंगस्टर था इलाहाबाद में, जिसकी नज़र आतिक पर पड़ी और उसने आतिक को अपनी पावर से बेल दिलवा दी। फिर आतिक चांद बाबा के लिए काम करने लगा और धीरे धीरे आतिक की जो पॉपुलैरिटी थी इलाहाबाद में वो बढ़ने लगी। आतिक ने इसका फ़ायदा उठाया और इलेक्शन में MLA की सीट के लिए चांद बाबा के ही खिलाफ खड़ा हो गया और जीत भी गया। 1989 में इलाहाबाद वेस्ट से MLA बनने के एक दो दिन बाद ही आतिक चांद बाबा जैसे बड़े गैंगस्टर का मर्डर करवा देते। आतिक ने जो अपना डर है वो लोगों में कुछ इस तरह बिठा रखा था कि लोग उसे डर के मारे हर बार MLA बना देते थे। 1989, 1991, 1993 और 1996 में वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता था और जीतता भी था। और फिर इसके बाद आतिक ने ज्वाइन करा समाजवादी पार्टी को। 2004 में आतिक को फूलपुर के MP की सीट मिल जाती है और जो इलाहाबाद की MLA की सीट उसने खाली छोड़ी थी उस पर वो अपने भाई खलीद अजीम अशरफ अहमद को इलेक्शन लड़ने के लिए बोलता है। अब जो इलाहाबाद की MLA की सीट होती है, इसके लिए एक और बड़ा दावेदार खड़ा होता है जिसका नाम था राजू पाल। तो अब इलेक्शन की लड़ाई आतिक अहमद के भाई अशरफ और राजू पाल के बीच होती है। राजू पाल इलेक्शन जीत जाता है और MLA बन जाता है, पर ये बात आतिक अहमद को बहुत गुस्सा दिला देती है और वो अपने कुछ लोगों के साथ राजू पाल का दिन दिहाड़े गोलियों से मर्डर कर देता है। अब इस पूरे क्राइम सीन का एक आई विटनेस होता है उमेश पाल, जो राजू पाल का एक अच्छा दोस्त और मर्डर के टाइम उसके साथ ही होता है। अतीक अहमद को राजू पाल के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, पर अतीक का खौफ इतना ज़्यादा होता है कि उमेश पाल अपना बयान पुलिस को दे ही नहीं पाता और इसलिए अतीक को छोड़ दिया जाता है। अब 2008 में मायावती जी की सरकार आती है, यानी BSP, बहुजन समाज पार्टी। सरकार बदलने के कारण अतीक की पावर जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और अब उमेश पाल सरकार के सामने आकर राजू पाल के मर्डर का बयान आतिक के खिलाफ दे देता है और मायावती जी आतिक को अरेस्ट करवा देती हैं। पर फिर भी राजू पाल का मर्डर आतिक ने ही किया है ये प्रूफ नहीं हो पाता है और 4 साल बाद 2012 में आतिक को फिर से बेल मिल जाती है। 2012 से 2016 तक आतिक इलाहाबाद में कुछ सोशल वर्क्स करने शुरू कर देता है ताकि लोगों का सपोर्ट उसके साथ आ जाए। पर 2016 में आतिक के पास कुछ लोग एक समस्या लेकर आते हैं कि सैम हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रयागराज में है, वहाँ 2 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है। आतिक यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोफेसर्स को असॉल्ट करता है और उनके साथ मारपीट करता है और ये सब CCTV में रिकॉर्ड हो जाता है। आतिक को अरेस्ट करके साबरमती जेल गुजरात भेज दिया जाता है और 2022 में CBI आतिक को राजू पाल मर्डर केस में गिल्टी डिक्लेयर कर देती है। CBI इस केस में आतिक और उसके भाई अशरफ को गुनहगार बताती है। 24 फरवरी 2023 को आतिक अहमद का बेटा असद अहमद इस बात से नाराज होकर उमेश पाल की हत्या कर देता है और इस हत्या के कारण आतिक का बेटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले UP के CM योगी आदित्यनाथ जी ने असेंबली में एक स्टेटमेंट दी होती है कि तेरह अप्रैल 2023 को पुलिस आतिक अहमद के बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर कर देती है। अब आतिक अहमद और अशरफ अहमद को यूपी लाया जाता है राजू पाल मर्डर केस की सुनवाई के लिए, जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 15 अप्रैल 2023 को आतिक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए पुलिस प्रोटेक्शन के साथ एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसी बीच 3 अननोन लोग नकली रिपोर्टर्स बन के आते हैं और आतिक और अशरफ की गोलियों से हत्या कर देते हैं। ऑन द स्पॉट सब रिकॉर्ड हो जाता है और पुलिस इन 3 नकली रिपोर्टर्स को कस्टडी में ले लेती है और अब इनसे ये पूछा जा रहा है कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए और किसके कहने पर ये सब किया। तो इस तरह आतिक अहमद, जिसने $1.5 बिलियन की संपत्ति यानी लगभग 11,500 करोड़ इलीगल ढंग से इकट्ठी करी थी, उसका अंत हुआ।